السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بيك كل مانين نعلم كيف حالكم उम्मीद है दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नई नई चीज़ें जो सीख रहे हैं वो ट्राई कर रहे होंगे ज़रूर ट्राई कीजिए वरना कोई फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ खड़े हो कि आपको सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग ट्राई ना करें। बहुत से लोग मैंने देखा है कि शो देखते हैं रेसिपीज़ लिखते हैं बैठ के लिखते ज़रूर हैं कॉपी बन करके रख देते हैं दूसरे दिन सुबह फिर खोल देते हैं तो ऐसी इससे कोई फ़ायदा नहीं। और ये बात मैं आपको नहीं कह रही मैं अपने आप को कह रही हूँ इसलिए अपने आप को कह रही हूँ कि मैं शगुफ्ता की बहुत क्लासेस करती हूँ जिसने मेरे शो किए मुझे एक क्रेज़ हो गया है मुझे पता नहीं इतना अच्छा लगता है या तो बंदा रिलैक्स होता है कुछ नया टिप कुछ नया सीखने को मिलता है तो मैंने बहुत क्लासेस करती हूँ शगुफ्ता से जब भी वो देती है जब भी वो एडवर्टाइज़ करती है मैं फ़ौरन उसके पेज पे लिख देती हूँ आई मीन। लेकिन इत्तेफाक देखें कि आज तक कोई चीज़ ट्राई नहीं की घर में आके भी नहीं ट्राई करती वही बात है ना कि लिखा डायरी बन गया मेरे से नहीं होता दिल ही नहीं चाहता। हाँ सैटरडे का दिन ऐसा होता है जब मैं बच्चे दामाद आते हैं तो फिर मैं शायद अब वो भी शायद पे बात आ गई है कुकिंग कर लूँ मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कुक को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो मेरी हर चीज़ बना देता है तो इसलिए आई एम फ्री। हाँ आप लोग के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैं बनाऊँ आप लोग फ़ौरन उसी हफ्ते में जैसा वीकेंड पर ट्राई कर लिया करें। अब जैसा आज के ये तड़का कबाब है ये वर्थ ट्राइंग है एक तो मलाई की तरह सॉफ्ट बन जाते हैं इतने सॉफ्ट बनते हैं ये कबाब कि मैं आपको क्या बताऊं ठीक है। और फिर इसको जब हम ग्रेवी में डाल के हल्का से मसाले में डाल के इसको टॉस करते हैं और मज़े का लगता है और ये एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं ठीक है। और स्टार्टर के तौर पर सर्व करें उसमें हाई टी में बनाएं ब्रांचेस पे बनाएं लंच पे डिनर पे आप सर्व कर सकते हैं बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ काउंटर पे और पहले तड़का कबाब ही करेंगे और फिर जो आज की दूसरी रेसिपी है वो है ड्रैगन फिश फिंगर्स ठीक है। ये भी बहुत मज़े की है मछली आजकल इतनी सीज़न में है नहीं मिल नहीं रही है लेकिन मैंने आज ही सुबह आते हुए लिए बेहतरीन ताज़ी मछली ठीक है। आप कोई सी भी अच्छी मछली ले लीजिए मछली वाले को बोलिएगा उसका कांटा और चमड़ा निकाल के आपको फिंगर्स बना दें और फिर आप उसको मैरिनेट करेंगे और फिर आप उसको सिवैयों में कोट करेंगे या सिवैयों में कोट करें या जो राइस नूडल्स होती है ना बिल्कुल बारीक वाली नंबर 1 या 0 बिल्कुल जिससे हम बर्मीज डिश बनाते हैं चाजा वो वाली नूडल्स को आप बिल्कुल क्रश करके उसमें कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं किसी एक में या अपनी सिवैयां या फिर वो ठीक है। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करती हूँ। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है तड़का कबाब। इसके लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा आपकी मर्ज़ी है आप चिकन से ले लो लेकिन ज़्यादा मज़े के ये बीफ में बनेंगे। आधा किलो कीमा लूँगी उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अंडे तक इसको हम चॉपराइज करेंगे फिर इसके हम बनाएंगे सीख कबाब का शेप देके कबाब बनाएंगे और इसको हम करेंगे फ्राई डीप फ्राई होगा फ्राई पैन में लेकिन कढ़ाई में नहीं ठीक है। और फिर बटर से लेके और नीचे तक इसकी बनेगी सॉस। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ा आ जाएगा आपको इस कबाब में। हाफ के जी 500 ग्राम मिंट सॉल्ट 1 टीस्पून
जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स यानी के कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, उसके बाद चाट मसाला 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1.5 टीस्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून, अच्छा उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटावा धनिया, भुनावा कुटावा धनिया 1 टीस्पून, हरी मिर्चें चॉप 6 छोटी वाली, उसके बाद डबल रोटी की 4 स्लाइस ताज़ी चॉप राइस करके, सुबह की है चॉप राइस, 4 स्लाइस मेरी बड़ी थी, फुल थी, लार्ज मैं देखती हूँ। और हम इसमें डालेंगे ये देखें ज़रा ट्विन एग ज़बरदस्त, कभी कभी ऐसा भी होता है, बस फिर मैं यही डाल रही हूँ, ठीक है 2 हो गए। अच्छा स्प्रिंग अनियंस चॉप्ड, हरी प्याज 1 कप, ठीक है इसको हम करते हैं चॉप राइस, ब्रेक आ चुकी है, इसको मैं कर रही हूँ चॉप राइस, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आके जब तक मैं देखती हूँ अच्छी तरह चॉप राइस हो जाए, अगर ज़रूरत होगी तो आपको बताऊँगी कि मैंने और डबल रोटी डाली है नहीं डाली है, और हम इसके बनाएंगे लॉन्ग शेप्स कबाब, ठीक है स्टे विद अस। Welcome back. ये सॉफ्ट है ये
इसको आप फ्रीज भी कर सकते हो, और जब बनाना हो सो देन यू कैन मिक्स द ग्रेवी सॉस। ग्रेवी तो नहीं होती, इसकी हल्की सी सॉस होती है जिसमें आपको उसको सॉटे करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी जान। जी बेटा कैसी हो आप? जी पहले की तबीयत बेहतर है, उसमें ना शुगर की लो हो गई थी, अब बेहतर है तबीयत बहुत ज़्यादा। क्या हो गया था अम्मी जान? ये शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और किडनी भी खराब है। बस आपकी दुआओं की वजह से नई जिंदगी दी है मुझे। अल्लाह सेहत दे बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आपकी रेसिपी अम्मी जान वो बनाई थी मैंने, बीफ के साथ जो आपने बनाई थी दिन का मजा, तो मैंने चिकन के साथ बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी रेसिपी वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। और सास को बोला तो पसंद भी हुई थी, बच्चों को भी। अल्लाह ताला को यही दुआ है, अल्लाह ताला हम ताला को मजीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती आफियत के साथ रखे बेटा। हाथ पे तेल लगाया है ज़रा सा, और फिर कबाब का शेप दिया है। अब हम बनाएंगे इसकी सॉस। ये देखें सॉफ्टनेस। अच्छा डबल रोटी का मैं आपको बता रही थी, जो आपके सामने डाली थी बस उतनी ही डाली है, ज़रूरत नहीं थी। ये तेल मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसी में मैं ड्रैगन फिश भी फ्राई करूँगी।
बटर 2 ounces या 50 grams, बहुत थोड़ा सा, वेरी लिटल, 1 tablespoon ऑयल, इसमें हम डालेंगे कुटावा लहसुन 1 tablespoon, हरी मिर्चें बीच से कट लगी हुई, स्लिट की हुई हैं, ठीक है, बीच से स्लिट की हुई हैं। प्लीज़ अपने आप को संभालिएगा, खुदा ना खास्ता इसका बीज आँख में ना चले जाए, अल्लाह ना करे। क्या खुशबू आती है लहसुन की। कड़ी पत्ता 15-20 पत्ते डाल दें, 1 प्याज स्लाइस, 1 शिमला मिर्च, पसंद है तो, नहीं पसंद है तो आधी, मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है, मैंने 1 डाल दिए। ज़्यादा नहीं करना है, अच्छा कलर ऐसे ही रहना चाहिए, ज़रा सा बिल्कुल बराए नाम नमक, बारबेक्यू सॉस 2 tablespoon, टबैस्को सॉस 2 tablespoon, लेमन जूस 2 tablespoon, बस बस चूल्हा बंद, तड़का कबाब रेडी। ठीक है, इसको हम डिश में निकालते हैं, ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालते हैं और आपको पेश करेंगे आप, ठीक है। बट दिस रेडी, ब्रेक भी आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। जनाब वेलकम बैक, हमारे तड़का कबाब टेबल पे है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े के बनते हैं। मुझे सोफ़ी अकील का मैसेज आया था अभी दुबई से कि मुझे अफ़ल्ला ब्रेड स्लाइसेस का अल्टरनेटिव बता दें, बिकॉज शी कांट टेक ग्लूटेन। तो मैंने कहा आप कॉर्नफ्लावर डाल लो, ठीक है, 3 से 4 tablespoon कॉर्नफ्लावर डाल लो और उससे भी बेहतरीन सॉफ्ट बनेंगे, बाइंडिंग भी हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं हमारी ड्रैगन फिश फिंगर्स।
मैंने ली है 1 किलो फिश फिंगर्स, 1 किलो मैंने ली थी। मैंने सुबह मछली वाले को कॉल कर दिया था कि 1.5 किलो मुझे मछली के फिंगर्स बना दो कांटा चमड़ा निकाल के, तो नेचुरली वो बनती फिर 1 किलो है। ठीक है, सही है। ये हमारे पास ताज़ी मछली है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसमें मछली में बहुत कम ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें अदरक जाता है, वरना मछली में ज़्यादातर 90% लहसुन पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास गार्लिक पेस्ट है 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, चिपोटली सॉस, ये आपको हर जगह मिल रही है, लोकल बन रही है, अब मैं ब्रांड आपको नहीं बता सकती, बहुत ही हमारा फेमस लोकल ब्रांड है जिन्होंने ज़बरदस्त सी नई नई सॉसेस निकाली हुई हैं, उसका है ये। ठीक है, चिपोटली सॉस, दो टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 से 3/4 टीस्पून, उसके बाद मैं सॉल्ट लिखना भूल गई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गया, 1 टीस्पून सॉल्ट हीट, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, टबैस्को सॉस 2 टेबलस्पून, ये भी उसी ब्रांड का ही है, पहले सॉरी गलती से मैंने टबैस्को डाला था, ये चिपोटली है। अच्छा, ये हमको अच्छी तरह से मिक्स करना है, प्लीज़ आप जब घर में बनाएं तो इसको लगा के 2 घंटे छोड़ दीजिए फ्रिज में क्लिंग से या फॉइल से कवर करके, ताकि मछली अंदर से फीकी ना रहे और अच्छी तरह से मसाले में कोट हो जाए। फ्लावर, मैदा आपकी मर्जी है, आप चाजा की नूडल्स, राइस नूडल्स ले लो, बिल्कुल जो थ्रेड होती है पतली, ठीक है वो ले लो, या फिर आप सेवैयाँ ले लो क्रश्ड। मैंने नमक डाला है, आई थिंक डाला है। अच्छा, मैदे में भी मुझे ज़रा सा नमक, थोड़ा सा, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर या थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, अब हम क्या करेंगे, फिश फिंगर्स को उठाएंगे, ठीक है, और ड्राई मैदे में कोट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे,
सेवइयों में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। मैं आपको एक दो बता देती हूँ इससे पहले कि मुझसे कहा जाए कि ब्रेक है। अब बिल्कुल स्लो आंच पे मैं बंद कर रही हूँ चूल्हा, वरना पता है क्या होगा, मछली अंदर कच्ची रह जाएगी, सेवइयों का कलर और डार्क हो जाएगा। ये देखें, मैदा, अंडा, यू कैन मेक ड्रैगन प्रॉन्स ऑल्सो, बड़े प्रॉन्स लीजिएगा विथ टेल, सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा। समझ आ रहा है? इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से, फैसलाबाद वालों से, इस्लामाबाद वालों से, पिंडी वालों से, मरी वालों से सबसे मुलाकात होगी 10 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर शाम 5 बजे तक, जिसमें आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, खाना साथ खाएंगे, आप पिक्चर्स निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास होगी, मैं और जरनक होंगे यहाँ से, और वहाँ से राफिया हैं और मानी हैं, तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह ताला फिर पेट्रियाटा भी जाएंगे हम, वहाँ पे भी पता नहीं कौन कौन हमसे मिलता है, अगले दिन हमारी हॉलीडे होगी तो वहाँ पे भी हम जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे भी लोग हमसे मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं 8 दिन इस्लामाबाद में आप लोगों के साथ हूँ, जो मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं, जायके घर घर के लिए 6 घर तो हो गए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो कौन हमें बुलाना चाह रहा है और अपने घर मुझे अपना टेस्टी टेस्टी खाना सिखाने के लिए और खाना खिलाने के लिए, साथ गपशप करेंगे आपके घर में बैठ के, तो मसाला टीवी पे कांटेक्ट कर लीजिए सालिक को, हमारा जो डायरेक्टर है, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस्लामाबाद में 10 तारीख को लेजेंड होटल में, ठीक? ब्रेक आ गई है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इसको आप मज़े की स्वीट चिली सॉस, बहुत सारी कंपनियों ने निकाल दिए स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व कीजिएगा, खूब मज़ा आ जाएगा। अच्छी तरह प्लीज तेल निकालिएगा वरना वो ऑयली हो जाएगी बहुत ज़्यादा।
थोड़ी सेवैयाँ हमें कम पड़ गई हैं, खैर अब क्या करें। ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। अच्छा जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपसे ख़ुद कह रही हूँ कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कबाब ऐसे सॉफ्ट होते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा, और फिश क्रिस्पी बनती है बिकॉज ऑफ द सेवैयाँ या राइस नूडल्स का जो उसका ऊपर का क्रस्ट होता है उसकी वजह से, ठीक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे 11:30 से 12:30 मसाला मॉर्निंग्स में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग सब मेरी दुआओं में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.